आगामी ईद समेत भगवान परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। विगत दो साल से लगातार कोविड 19 की वजह से त्योहार नहीं बना पा रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में कोविड 19 के नियमों के सख्त पालन के साथ साथ त्योहार मनाने की जो छूट मिली है उसको लेकर पूरे तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने ईद व अक्षय तृतीया समेत भगवान परशुराम जयंती को लेकर अपनी रणनीति पहले ही बना ली है। इस कमेटी की बैठक में बैठक कर सभी धर्म के लोगों को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की। साथ ही साथ अगर किसी ने त्यौहार के रंग में भंग डालने का प्रयास किया तो त्यौहार में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों को ताकीद कर दिया गया है कि सभी ईदगाहों जहाँ जगह पर रैली निकलेगी उन सभी स्थानों की साफ सफाई बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने बराबर फ्लैग मार्च निकाल कर सभी धर्मों और वर्गों के लोगों से त्यौहार शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक मनाने की अपील की। साथ ही साथ जितने भी जनपद में ईदगाह वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनात की गई जिससे कि कहीं भी त्योहारों के रंग पर भंग न पड़ने पाए और आपसी सौहार्द को बिगड़ने न पाए। दो साल बाद मनाए जा रहे त्योहारों को लेकर जहां जनता में उत्सुकता है वहीं पुलिस प्रशासन भी जिला प्रशासन के साथ मुस्तैद है ताकि सभी लोग आपसी प्रेम और सौहार्द से त्योहार मनाए। औरैया से अमित कुमार शर्मा। सर, ईद के पावर पर्व के साथ साथ अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लेकर के पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारियां की है? कल ईद उल फितर, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के संदर्भ में पूरे जनपद भर में शांति पुलिस कमेटी की बैठक कर ली गई है और इसके लिए जो है जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और नामवार ड्यूटी लगाई गई और अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करे उसके साथ कठिन से कठिन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संयोग से इस बार कल जो है तीन त्यौहार हैं, ईद का भी है और अक्षय तृतीया भी है और परशुराम जयंती भी है। इसको लेकर के हम लोगों ने जनपद स्तर पे और समस्त तहसील और थाना स्तर पे पीस कमेटी की बैठक करके लोगों से शांति से मनाए जाने की अपील की है। दूसरी तरफ हमारी पूरी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेसी तैनात है। अलविदा के नमाज के दिन भी पूरे सुबह 4 बजे से ही सारी मजिस्ट्रेसी एक एक मस्जिद पे गई थी और वहाँ शांति व्यवस्था, कोई अफवाह न फैले, कोई पोस्टर न चिपका दे, किसी इस तरह की बातें न हो जिससे लोगों में वैमनस्य आए, इसका पूरा ध्यान रखा गया था और कल भी रखा जाएगा।